ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति पंजवानी फ्रॉम अकोला एज अ एबेकस ट्रेनर. एंड फर्स्टली आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर आतिश भोरे सर, सीईओ ऑफ माइंडवेरा कंपनी, फॉर 12th एनिवर्सरी ऑफ माइंडवेरा कंपनी. एंड आई वॉन्ट टू थैंक टू सर कि जिन्होंने मुझे इतना कॉपरेट करके मुझे इतना आगे निकाला, जिस वजह से मैं आज अपने सेल्फ डिपेंड हो रही हूँ धीरे धीरे. बट मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जैसे मेरी सर से मुलाकात हुई, जस्ट मुझे DMI का कुछ आइडिया नहीं था, बट जैसे मुझे पता पड़ा तो मैंने अपने बच्चों के लिए DMI टेस्ट करने के लिए सर से मेरी बात हुई. उनका DMI में मुझे काफ़ी 99% ऐसे प्रूफ लग रहा था कि यस, ये सब बातें तो मेरे बेबी में हो सकती हैं, ये सब हो सकता है. जस्ट काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे भी कुछ करना है. अभी मेरे बेबीज़ बड़े हो गए थे, बट एक सही डिसीजन नहीं ले पा रही थी कि मुझे व्हाट शुड आई डू. तो जस्ट मैंने ऐसे सोचा कि मैं भी अपनी DMI करवा देती हूँ. एंड देन अपने लिए मैंने DMI का सर से बात की. उसमें मुझे DMI में आया कि मेरा करियर स्टडीज़ में, एजुकेशन फील्ड में एज वेल एज टीचिंग में बहुत अच्छा कर पाती हूँ. बस यहीं से मेरी स्टार्टिंग हुई. मेरी लाइफ की फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटी थी जिसमें मैंने अपने आप को बाहर निकाला. और जैसे जैसे मैंने बाहर निकाला, अभी ऐसा फील होता है कि मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं. उन सब चीज़ों के लिए मैं सर को बहुत स्पेशल थैंक्स देना चाहती हूँ, क्योंकि सर हर पल पल, एनी टाइम, इवन रात को, नाइट, नून, मॉर्निंग, एनी टाइम जब मैं सर को कॉल करती हूँ, सर बिल्कुल रिसीव करके मुझे हेल्प करते हैं. मुझे कोई भी क्वेरी रहती है, सर बिंदास होकर मुझे बताते हैं. मैं एक हाउसवाइफ थी, बट अभी मैं ऐसे अपने आप को थोड़ा सा बहुत स्ट्रांग फील करती हूँ. और मैंने जस्ट अभी 4-5 मंथ्स हुए हैं मैं सर से ज्वाइन हुई हूँ एबेकस से, बट आगे मैं और बहुत कुछ करना चाहती हूँ. ये मेरा इंटेंशन है और मैं अपना 100% सर को दे रही हूँ, बिल्कुल कोशिश है. बट सर हम लोगों को 200% दे रहे हैं, वो बहुत कोऑपरेटिव पर्सन है. इवन आई वुड लाइक टू थैंक मिसेस संजना भोरे मैम, जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं एबेकस के बारे में, कि एबेकस कैसे करवाना है, क्या करना है, बच्चों के साथ डील कैसे करना है, क्योंकि मुझे इस बात का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था. बट इन सब चीज़ों के लिए मैं सर को बहुत बड़ा थैंक्स बोलना चाहती हूँ. सर का नेचर बहुत हेल्पफुल है. वो अपने अपना प्रॉफिट से ज़्यादा दूसरों का प्रॉफिट सोचते हैं, जैसे कि आज के ज़माने में होता नहीं है. बट सर बहुत अच्छा सोचते हैं, सर का नेचर बहुत अच्छा है. और जैसे कि मेरी एक्सपीरियंस की बात रही, मैं तो एक हाउसवाइफ ही थी, बट जैसे जैसे मैं थोड़ा बाहर निकली, एबेकस की फ्रेंचाइजी ली, तो मेरे अकोला में ही मुझे सब ऐसे बोलते हैं कि आपको देख के हम लोगों को भी लगता है हमें कुछ करना चाहिए. मैं उसके लिए भी सर को थैंक्स बोलूँगी, क्योंकि सर ने मेरा DMI किया, सर ने मुझे ऑफ़र किया और मैं